we gonna burn it down. Hey, what's up, guys? Welcome back to my channel, Udit Vlogs. So, guys, आज की वीडियो में जो महिंद्रा की थार 2023 जो आई है उसका वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे. तो गाइज अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ शोरूम, क्योंकि वहाँ मेरा कोई फ्रेंड है, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ के शोरूम में न्यू वाली थार है, जो 2023 वाली न्यू थार है वो आ चुकी है. तो मेरे फ्रेंड ने बोला हाँ आ चुकी है, आप आके देख लो. तो गाइज चलते हैं शोरूम में, और मैं जहाँ शोरूम में जा रहा हूँ वो रहने वाला है अलवर का, जो महिंद्रा का शोरूम है एक ही है यहाँ पे, तो उस शोरूम में चलते हैं. तो ये गाइज आ चुके हैं महिंद्रा के शोरूम में, और अभी कार पार्क करते हैं. अलवर में है वो है JS फोर व्हील्ड मोटर्स अलवर के नाम से. यहाँ पे पीछे के साइड में हीरो का शोरूम भी है, और आगे के फ्रंट में महिंद्रा का शोरूम है. तो यहीं पे खड़ी होगी महिंद्रा थार, XUV 700, सारी जो टेस्ट ड्राइव व्हीकल हैं जो भी हैं. तो हीरो का शोरूम भी यहाँ सेफ्ट हो गया, ये अलवर में है. अभी चलते हैं अंदर. सो गाइज हमारे सामने खड़ी है न्यू महिंद्रा थार, एंड गाइज जो शोकेस में खड़ी है ये 4x4 वेरिएंट रहने वाला है. तो गाइज ज्यादा कोई मेजर चेंज नहीं किए हैं महिंद्रा ने, इसलिए मैं इसके 4x4 वेरिएंट की वॉक अराउंड रिव्यू करके दिखाऊंगा. एंड गाइज जो मैं पर्सनल टेस्ट ड्राइव लूंगा वो 4x2 वेरिएंट के लूंगा. तो गाइज एक परफेक्ट SUV का आपके पास मार्केट में ज्यादा ऑप्शन नहीं था, एंड जो लाइफस्टाइल ट्रेंडिंग और यूनिक जो SUV थी वो आपके बजट से ज्यादा थी, जिस जो रहने वाली है महिंद्रा थार. एंड महिंद्रा थार के काफी लवर्स देखने को मिल जाएंगे, एंड इसका रोड प्रेजेंस काफी अच्छा रहा है जब से ये कार लॉन्च हुई है, एंड हर कोई इसको लेने की नहीं सोच पा रहा था, क्योंकि गाइज इसका प्राइस ही बहुत ज्यादा था. एंड इस SUV के आज का यूथ एंड अंकल आंटी सभी फैन है. तो गाइज महिंद्रा ने 2023 न्यू थार को 9.99 लाख एक्स शोरूम प्राइस पे लॉन्च करके सबको चौंका दिया है. एंड सबसे बड़ी बात, आप में से काफी थार लवर ये सोच रहे होंगे कि महिंद्रा ने थार की जो प्राइस इतने कम किए हैं तो जरूर से कुछ फीचर्स कम किए होंगे, या फिर कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग की होगी. तो गाइज मैं आपको बता देता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड न्यू 2023 महिंद्रा थार में क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा मैं आपको वॉक अराउंड रिव्यू करके दिखाता हूं. एंड सबसे पहले न्यू महिंद्रा थार आपको रियर व्हील ड्राइव देखने को मिलेगी, जिसे आप 4x2 कह सकते हैं. एंड गाइज खास बात यह है कि महिंद्रा का जो पेट्रोल एंड डीजल इंजन आता था वो सेम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करता है 320 Nm का टॉर्क, एंड डीजल इंजन 300 Nm का टॉर्क. और गाइज एक परफेक्ट SUV के लिए एंड एक ऑफ रोडिंग व्हीकल के लिए टॉर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. एंड गाइज डीजल इंजन में महिंद्रा ने क्या किया है, टॉर्क सेम रखा है और सिर्फ इंजन चेंज कर दिया है. एंड महिंद्रा ने 2.2 लीटर इंजन के बदले 1.5 लीटर फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन डाल दिया है, जो अपने आप में एक परफेक्ट इंजन रहने वाला है न्यू थार के लिए. एंड इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये इंजन प्रोड्यूस करेगा 117 HP की पावर एंड 300 Nm का टॉर्क. एंड ये पहले की तरह सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा, एंड ये थार रियल व्हील ड्राइव रहने वाली है. एंड गाइज इस इंजन के खास बात यह है कि आपको अच्छी पावर एंड टॉर्क के साथ साथ आपको एक अच्छी एवरेज भी देगा, जो कि 70-90 km/h तक रहने वाला है. एंड सिटी में आपको ये 14-15 km/h आराम से दे देगा. तो फाइनली महिंद्रा ने सारे अच्छे गुण न्यू थार 2023 में डाल दिए हैं. जो लोग महिंद्रा थार को व्हाइट कलर में देखना चाहते थे या व्हाइट कलर उनका फेवरेट था, तो उन लोगों को महिंद्रा ने न्यू थार में व्हाइट कलर का ऑप्शन ऐड करके सबको सरप्राइज दे दिया है. अब आपको थार व्हाइट कलर में भी देखने को मिलेगी. एंड कंपनी इसमें 45 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी ऑफर करती है, एंड डे टाइम रनिंग लाइट आपको देखने को मिलेगी, एंड हैलोजन हेडलैम्प जो राउंड शेप में देखने को मिलेंगे, एंड जिनको आफ्टर मार्केट जाके हेडलैम्प्स को आप मॉडिफाई करा सकते हैं, एंड फ्रंट ग्रिल और बाहर से आपको सेम देखने को मिलेगी कार. और कंपनी ने कुछ भी कॉस्ट कटिंग नहीं किया, सबसे बड़ी बात यह है. एंड गाइस जो इसके अंदर चेंज किए हैं
वो सिर्फ इंजन और 4x4 लीवर के अंदर चेंज किए हैं, बाकी आपको कार में कहीं से भी कॉस्ट कटिंग एंड कोई भी फीचर आपको रिमूव करते हुए देखने को नहीं मिलेगा। एंड गाइस सेम एज इट इज आपको जो पहले आती थी महिंद्रा 4x4 टॉप मॉडल सेम वैसे देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको जो एम होग 2.2 इंजन आ रहा था उसके बदले में आपको 1.5 लीटर इंजन देखने को मिलेगा एंड 4x4 लीवर देखने को नहीं मिलेगा। जिसका बेनिफिट ये है कि गाइस इसके अंदर आपको 90 से 100 केजी आपको रिमूव मिलेगा। एंड गाइस इसके टायर साइज की बात करें तो 255:65R18 कंपनी ऑफर करती है। एंड इसके डायमेंशन की बात करें तो लेंथ 3985 एंड विड्थ 1820 एंड हाइट 1920 एंड व्हील बेस की बात करें तो 2450 देखने को मिलेगा। एंड महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव आल्सो गेट्स ए 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि आउटपुट पावर प्रोड्यूस करता है 150 bhp की एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड इसमें आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कंपनी ऑफर करती है। एंड गाइस इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो गाइस ये 13 लैक्स के अप्रोक्स आपको इसके ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। एंड गाइस मेन बात यह कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको एक अच्छी रोड प्रेजेंस वाली कार आपको थार के अलावा और कोई नहीं दे सकती। एंड गाइस इसकी इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर के अंदर आपको पहले की तरह एज इट इज सब कुछ सेम मिलेगा, टच स्क्रीन मिलेगा जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले मिल जाता है एंड 6 स्पीकर मिल जाते हैं एंड 2 ट्विटर के साथ। एंड गाइज राइट हैंड साइड में आपको स्टेयरिंग के पास आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड हील डिसेंट कंट्रोल एंड पावर विंडो एंड एक्स्ट्रा स्टोरेज बढ़ा दिया गया है। एंड क्योंकि गाइज इसका जो 4x4 का लीवर रिमूव कर दिया है उसके जगह भी स्टोरेज दी है महिंद्रा ने। एंड जो इसकी फ्रंट सीट्स हैं वो काफी कंफर्टेबल हैं जिससे आपको ड्राइविंग में काफी मजा आने वाला है एंड थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा रहने वाला है सीट्स का। एंड स्टेयरिंग पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है स्टेयरिंग आपको यहाँ पे। एंड गाइस इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे रोल ओवर मेजिगेशन एंड रोल गेज एंड ESP ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट एंड गाइस डुअल एयरबैग्स ड्राइवर एंड पैसेंजर एंड पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल और इस कार के ग्लोबल एम कैप में 4 स्टार स्कोर किए हैं जो कि काफी अच्छा रहने वाला है। और महिंद्रा अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी बनाती है जिसकी बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत। एंड कंपनी इसके अंदर 18 इंच के ऑल टेरन टायर ऑफर करती है जो कि ऑफ रोडिंग करने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। एंड आपको इसमें कंपनी 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है जो कि एक परफेक्ट SUV के लिए होता है। एंड ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपके पास 10-13 lakh का बजट है तो आप ब्रेजा नेक्सोन वेन्यू जैसी नकली SUV पे जाना चाहेंगे या एक परफेक्ट SUV पर एक यूनिक कार थार पे जाना चाहेंगे तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मैं अपना ओवरऑल कंक्लूजन बताऊँ तो मैं आँख बंद करके थार पे जाना पसंद करूँगा। एंड गाइज न्यू महिंद्रा थार की बुकिंग चालू हो गई है, आप इसको जाके बुक करा सकते हैं। एंड गाइज अभी फिलहाल इसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं है तो अभी आपको इजीली मिल जाएगी, फिर भी आपको एक मंथ से थोड़ी ज्यादा वेटिंग टाइम पीरियड देखने को मिल सकता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और न्यू थार अच्छी लगी होगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइज इस वीडियो पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।